वेरी वार्म सप्लाई एंड डिवाइन गुड मॉर्निंग टू वन ऑल प्रेजेंट हियर। सो फिर आ गए हैं डिजाइन थिंकिंग पढ़ने के लिए। नेक्स्ट लेट्स गो। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, हमने दो सवाल किए थे कि डिजाइन थिंकिंग क्या होता है और वो कैसे डिफरेंट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग से। सेकंड थिंग हमने सेकंड क्वेश्चन हमने किया था कि स्टेजेस क्या होते हैं डिजाइन थिंकिंग। आज हम करने वाले हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पैथी एज वन ऑफ द फेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग एंड सम की मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एम्पैथी। तो आई थिंक हमने ये कर लिया था पिछले क्लास में, मतलब हमने इसमें प्लेटफॉर्म सेट कर लिया था कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ अच्छे समझ में आएगा और हम जल्दी खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज लेट्स थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। यस दिस इज अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि डिफाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पैथी इन ऑल द फेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग। सो इन समरी ये नहीं सॉरी सॉरी ये दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पैथी एज वन ऑफ द फेजेस ऑफ डिजाइन। सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक, मैं ही करता हूँ टाइपिंग में देख लो। हाँ सो सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पैथी इन डिजाइन थिंकिंग कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, यानी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एम्पैथी क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर आप एक यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचते हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, तो उसके शूज में रह के सोचते हो, तो उसे ही एम्पैथी कहते हैं। उसके प्रॉब्लम्स को समझते हो उसे एम्पैथी कहते हैं। तो डिजाइन थिंकिंग में ये बोल कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि ये कहना चाह रहा है कि डिजाइन थिंकिंग में जो एम्पैथी का जो सिग्निफिकेंस है, हाँ, जो सिग्निफिकेंस है उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अच्छा शुद्ध हिंदी, टाइटल में हिंदी था ना, तो हिंदी देख के तो आए होंगे, तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सो इट इज द फाउंडेशनल फेज दैट सेट्स द टोन ऑफ द एंटायर प्रोसेस। हियर व्हाई एम्पैथी इज सो क्रूशियल, जो क्वेश्चन में क्या पूछा है वो चलते हैं ना कि एम्पैथी क्यों इतना क्रूशियल है। सो अंडरस्टैंडिंग द नीड्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट यही है कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर नीड्स होता है कि यूजर को क्या चाहिए। एज अ डिजाइन थिंकिंग स्टूडेंट हमें पता है कि हम कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूजर के लिए कर रहे हैं, तो पहले हम समझते तो यूजर को क्या चाहिए, तो वो कैसे पता चलेगा, वो एम्पैथी के थ्रू पता चलेगा। यूजिंग एम्पैथी वी कैन अंडरस्टैंड द यूजर नीड्स, यही है। इट्स अबाउट सीइंग द वर्ल्ड थ्रू यूजर्स आईज, फीलिंग व्हाट दे फील एंड एक्सपीरियंसिंग हाउ थिंग्स एज दे डू एंड एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एज दे डू। यस सो बीइंग बियॉन्ड अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस के बियॉन्ड भी काम होते हैं तो डिजाइन थिंकिंग के एम्पैथी के थ्रू होते हैं। हर चीज को हम एजम्पशंस नहीं मान सकते, तो एजम्पशंस के बियॉन्ड काम करने को बोलते हैं। जैसे कि इट हेल्प्स सेट्स असाइड पर्सनल बायसनेस एजम्पशंस, इनेबल डिजाइनर्स टू गेन जेन्युइन इनसाइट्स इनटू यूजर्स एंड देयर नीड्स। पर्सनल बायसेस बायसनेस को कम करता है, कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होनी नहीं होगी, एजम्पशंस नहीं होंगे, कुछ प्योरली यूजर्स और यूजर्स कंसेंट्रिक काम किया जाएगा। नेक्स्ट इज अनकवरिंग, हम नहीं क्या कर रहे हैं ये समझते हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम सिग्निफिकेंस बता रहे हैं एम्पैथी के, एम्पैथी के सिग्निफिकेंस बता रहे हैं। तो क्या सिग्निफिकेंस है, अनकवरिंग लेटेंट नीड्स, नीड्स को अनकवर करना है थ्रू एम्पैथी। डिजाइनर्स कैन अनकवर लेटेंट नीड्स एंड हाँ नीड्स दैट यूजर्स यूजर्स देमसेल्फ दैट मे नॉट बी एक्सप्लिसिटली अवेयर ऑफ वन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उसके नीड्स को फुलफिल करना और कुछ नहीं है, कुछ हाईटेक भाषा में लिखा हुआ है। एक्चुअली जो लिखा हुआ है ये किसी रिसर्च पेपर का है, इसलिए आपको इसमें ये लिखा है। अगर मैं इसमें क्लिक करूँ ना, मैं इसमें क्लिक करूँ लिंक पे, आप देख सकते हो ये एक रिसर्च पेपर है। जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक रिसर्च पेपर इंटरेक्शन डिजाइन फाउंडेशन है, उसकी उसकी लाइन्स है, उसके हूबहू लाइन्स में डाल रहा हूँ, मैं कुछ अपने से नहीं लिखा रहा, इसके लाइन्स में सीधे लाइन्स डाल रहा हूँ उसमें। आपको लाइन वो लिंक्स है एक्चुअली, वो वहाँ पर लिखा हुआ है उस रिसर्च पेपर में, मैं सीधे लाइन डाल रहा हूँ विद रेफरल, आपको पढ़ना हो उस बारे में और तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मिंग प्रॉब्लम डेफिनेशन, बहुत जरूरी है प्रॉब्लम के डेफिनेशन को बताना। फिर इंस्पायर क्रिएटिविटी और बिल्डिंग यूजर ट्रस्ट, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको इसको कैसे लिखना है, एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको पता है कि आप इसे कैसे लिख सकते हो, मेरे से भी बेहतर लिख देंगे कुछ लोग तो। हाँ तो यही है, ये डिजाइन थिंकिंग की एम्पैथी का क्या रोल होता है, सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट इज डिस्कस सम की मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एम्पैथी, तो एम्पैथी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं वो बता दो भाई। सो इन द एसेंस एम्पैथी इज अ हार्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग। ओके इन
इंश्योरिंग डेट द सॉल्यूशंस डेवलप्ड आर नॉट जस्ट टेक्निकली फिजिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर लिखोगे तो थोड़ा उसको इंक्लूड कर देना कि इन एब्सेंस इन एसेंस एम्पैथी इज द हार्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग। फर्स्ट इंश्योरिंग डेट द सॉल्यूशंस डेवलप्ड आर नॉट जस्ट टेक्निकली फिजिबल, सॉरी फॉर द नॉइज गाइस, बट ऑल्सो इकोनॉमिकली वायबल। लाइक टेक्निकल टेक्निकली फिजिबल भी होनी चाहिए और इकोनॉमिकली वायबल भी होनी चाहिए, बट ऑल्सो डिजायरेबल फॉर यूजर्स परस्पेक्टिव, उसके लिए डिजायरेबल भी होनी चाहिए। सो डिस्कस सम की मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एम्पैथी। सो बिल्डिंग एम्पैथी इज अ स्किल, बेसिकली बिल्डिंग एम्पैथी इज अ स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड इंटेंशंस। हियर देयर आर सम की मेथड्स टू बिल्ड एम्पैथी। फर्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग बहुत जरूरी है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव्स, यूजर्स की पर्सपेक्टिव क्या है, प्लानिंग क्या है, समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग, सॉरी फॉर अगेन फॉर दिस नॉइजेस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, कि आपको क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है, कि आप यूजर्स से क्वेश्चन कर रहे हो या हर चीज से क्वेश्चन कर रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, एक्सपीरियंस के लिए, फीलिंग्स के लिए, और बेटर करने के लिए यूजर एक्सपीरियंस। नॉन वर्बल क्यूज, पे अटेंशन टू द बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन ऑफ वॉइसेस, बेटर अंडरस्टैंड समवनस इमोशनल स्टेट। बेसिकली एम्पैथी मैं आपको बताया ना, एम्पैथी मतलब समझ गए होगे क्या बोलना चाह रहा हूं। पर्सपेक्टिव टॉकिंग यानी कि इसके पर्सपेक्टिव से बात करो, इमोशनल शेयरिंग, अवॉइडिंग अजम्पशंस मैंने बताया था अभी, फिर एम्पैथी का कंसर्न, चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस को गेन करना, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, लाइक कल्टिवेटिव क्यूरियोसिटी। दिस मेथड्स कैन हेल्प फॉस्टर, फॉस्टर मीन्स होता है ग्रोइंग, फॉस्टर और फॉस्टर मतलब टैकल भी होता है, अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ एम्पैथी व्हिच इज एसेंशियली फॉर मीनिंगफुल पर्सोना एंड पर्सनल, पर्सोना बताऊँ क्या होता है, एंड पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल, अरे प्रोफेशनल रिलेशनशिप, दिल की बातें बाहर आ जाती है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप। रिमेंबर एम्पैथी इज नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग अदर्स बट ऑल्सो अबाउट कनेक्टिंग विद देम ऑन इमोशनल लेवल। ओके आई थिंक यू गॉट इट, यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन मुझे लगता है हो गया, क्योंकि क्योंकि हमने इसे काफ़ी डिस्कशन कर लिया था ऑलरेडी पिछले लेक्चर में, इसके बारे में, एम्पैथी के बारे में, सारे फेजेस के बारे में मैंने एक्चुअली डिस्कस कर लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमने ये क्वेश्चन आप देखो ठीक से, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटोटाइप, जो हमने पिछले बार किया था, देखो यहाँ पर व्हाट आर द प्रोटोटाइप इंपॉर्टेंट डिजाइन थिंकिंग, ये हमने कर लिया, एंड टेस्टिंग फेज ऑफ इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट यूजिंग, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आप 7, ये जो इसके बाद आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, जिसमें मतलब ये तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, तो आप थोड़ा नीचे आओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, एमवीपी वाला क्वेश्चन, लास्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिस इज सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस विद एमवीपी। एमवीपी व्हाट इज द एमवीपी, मिनिमल वायबल वायबल प्रोडक्ट, इट मींस अपना फाइनल प्रोडक्ट, जो हम टेस्टिंग के बाद हमारे पास जो रिग्रेस टेस्टिंग करने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बचता, प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म या एमवीपी, इसी को बोलते हैं एमवीपी, ठीक है। तो उसके बारे में बात हो रही है कि उसमें डिजाइन थिंकिंग का क्या रोल है, तो चलो रोल डिस्कस करते हैं। तो डिजाइन थिंकिंग इज अ सिग्निफिकेंट, प्लेज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन डेवलपमेंट प्रोसेस एज वी ऑल नो, स्पेशली एज वी ऑल नो गाइस, स्पेशली व्हेन द इंटीग्रेटेड विद द कांसेप्ट ऑफ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, देयर इज हाउ डिजाइन थिंकिंग इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द एमवीपी। फर्स्ट इज कस्टमर सेंट्रिक फोकस, फोकस ये करता है कस्टमर सेंट्रिक को, यानी कि ये मार्केट को स्टडी करता है, मार्केट के हिसाब से उसके यूजर, रियल यूजर के पेन पॉइंट्स कहाँ पर होते हैं, यूजर्स की नीड क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है कस्टमर्स की, वो देखता है ये। तो सो इट्स अ कस्टमर सेंट्रिक फोकस ओरिएंटेड काम करता है ये। सेकेंड इज आइटरेटिव डेवलपमेंट, कि हर बार अपने फीडबैक से लर्न करता है, मार्केट के अजम्पशंस को स्टडी करता है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड आइटरेशंस हेल्प करता है उसे जल्दी सीखने में, जल्दी गलतियों को पहचानने में। थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया अगर जल्दी मैनेज जल्दी सीखोगे, जल्दी गलतियों को पहचानोगे, और तो आप अपने काफ़ी हेवीली स्केल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट को बिफोर एडिटिंग कॉन्सेप्ट। तो यही है इनहेंस लर्निंग, सेम चीज़ है, आप इनहेंस कर सकते हो लेटर, बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो। रिसोर्स इफिशियंसी, तो आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स, आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होती है, उसे कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सके, उसके हेल्प से एमवीपी के हेल्प से, समझ में आ रहा है, एमवीपी में डिजाइन थिंकिंग का यूज करके हम बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकते हैं।
स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अंधाधुंध कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग, एक प्रॉपर प्रिजर्वेंस और एक परसिस्टेंस की मैनर में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन एंड अलाइनमेंट। जैसे हमने पता है डिजाइन थिंकिंग का एक पिलर ही होता है, डिजाइन थिंकिंग का पिलर होता है कोलैबोरेशन। उसके हिसाब से हम फ्रॉस्टर कर रहे हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ काम कर रहे हैं, दूसरों के विजन्स गोल्स और प्रायोरिटीज को अलाइन कर रहे हैं एक तरफ, और जो बेस्ट आइडिया है वो हमारा एमवीपी आएगा। तो उससे हमारी एमवीपी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत ही बेहतर हो सकती है। तो दिस आर द थिंग्स। सो इन समरी, इंटीग्रेटिंग डिजाइन थिंकिंग विद एमवीपी डेवलपमेंट लीड्स टू अ प्रोडक्ट दैट इज नॉट ओनली अलाइंड विद यूजर नीड्स बट ऑल्सो डेवलप्ड इन अ वे दैट इट अलाइन विद द रिस्पॉन्सिव द मार्केट, रिस्पॉन्सिव टू द मार्केट। इट ब्लेंड एम्पैथी वैलिडेशन लर्निंग दैट ड्राइव सक्सेसफुल प्रोडक्ट इनोवेशन। बेसिकली इसका यही कहना है कि अगर हम डिजाइन थिंकिंग को इंटीग्रेट करते हैं एमवीपी में, सो हम एक इकोनॉमिकली फिजिबल और टेक्निकली वायबल, सॉरी टेक्निकली वायबल एंड इकोनॉमिकली फिजिबल और मार्केट ट्रेंड्स को सेटिस्फाई करने वाला एक रिस्पॉन्सिव प्लेटफॉर्म या एक रिस्पॉन्सिवनेस बिल्ड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में या अपने काम में, या अपने नीड्स को, यूजर के नीड्स को समझ सकते हैं। तो सब काम कर सकते हैं हम लोग एमवीपी में डिजाइन थिंकिंग को इंटीग्रेट करने करके। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। आई थिंक वी हैव डिस्कस मच इन टुडेस लेक्चर। ये लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट रखते हुए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडिएशन इन डिजाइन थिंकिंग। ये भी आई थिंक ये भी मैंने बता चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले इमर्शन क्या होता है। सो इमर्शन एक नया कॉन्सेप्ट है, और फिर लाइफ साइकिल्स, एनवायरमेंट प्रिंसिपल्स ये पढ़ने वाले हैं, फिर प्रोपोर्शनल वैल्यू। नेक्स्ट क्लास में हम ये दो क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम ये दो क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें बैंकिंग सेक्टर में डिजाइन थिंकिंग कहाँ यूज होता है, होम डिलीवरी सिस्टम में कहाँ यूज होता है, फिर स्टोरी टेलिंग में डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस का रोल बताओ, और इनोवेशन, लेवल ऑफ इनोवेशन बताओ, और ये सिंकिंग हेड क्या होता है, पर्सोना, प्रोजेक्ट ब्लॉक्स, डूडल डिजाइन, सब चीज के बारे में हम बात करेंगे आने वाले दो तीन लेक्चर्स में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।